मीडिया द्वारा मुसलमानों के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा किस कदर तक जानलेवा साबित हो रहा है, इसकी एक बांगी राजस्थान के भरतपुर में देखने को मिली। यहाँ एक डॉक्टर ने गर्भवती महिला का इलाज करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह महिला मुसलमान थी। डॉक्टर की इस शर्मनाक हरकत की वजह से नवजात ने दम तोड़ दिया। दरअसल बेलानगर की रहने वाली गर्भवती मुस्लिम महिला परवीन भरतपुर के जनाना अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची थी। इस दौरान वहां मौजूद डॉक्टर पुनीत वालिया ने महिला से कहा कि आप मुस्लिम हैं, इसलिए आप जयपुर जाकर अपना इलाज कराएं। अस्पताल में इलाज न किए जाने की वजह से परवीन के प्रसव में देरी हुई, जिसकी वजह से उनके बच्चे की मौत हो गई। मेरी वाइफ की डिलीवरी होनी थी। मेरी वाइफ को जब रात को दर्द उठा तो मैं CSC सीकरी लेकर गया, तो वहां से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ कंट्रोल नहीं होगा, आप इसको जिला अस्पताल लेकर जाएं। वहां से रेफर कर दिया। मैं जल्दी से जिला अस्पताल के लिए गाड़ी कर और जिला अस्पताल पहुंचा सुबह 8 बजे के लगभग। जिला अस्पताल के लिए मैंने घंटों इधर उधर चक्कर काटे, कोई डॉक्टर ही नहीं मिल रहा था। डॉक्टर मिला तो मेरा नाम गाम और पता लिखा। एक मैडम आई, गोरी सी मैडम थी, उसने कहा कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा मैडम हम नगर तहसील के रहने वाले। कौन हो, क्या नाम है? मैंने कहा मैडम मेरा इरफान खान नाम है। तो फिर तो आप मुस्लिम हो मैडम, एक चौकन्ना हो गई मुस्लिम हो, तो फिर तुम्हारा यहाँ कोई इलाज नहीं होगा। एक दूसरे डॉक्टर से कहा कि इनका रेफर कार्ड बना दो, इनको जयपुर भेज दो। और मैं रोता हुआ अपनी मिसेज को लेकर हॉस्पिटल से निकल गया और मैं भरतपुर से बाहर नहीं निकला था। रास्ते में एम्बुलेंस में मेरी मिसेज को डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने पे मेरा बच्चा जो खत्म हो गया। अगर मुझे लग रहा है अब मेरे बच्चे को खत्म होने का कारण जिला अस्पताल भरतपुर की है, इन डॉक्टरों की लापरवाही से मेरा बच्चा खत्म हुआ है। अगर मेरे मिसेज की डिलीवरी सुबह सही सिस्टम से हो, ये देखभाल कर लेते, तो मेरा बच्चा मेरे पास सुरक्षित होता। इस मामले में राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री विशेंद्र सिंह ने डॉक्टर और अपनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि यह बड़ी शर्मनाक घटना है और ऐसे में डॉक्टर के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। एक महिला, मुस्लिम महिला, प्रवीना वाइफ ऑफ इरफान खान, निवासी बेलानगर, जो गर्भवती थी, उनको यहाँ से रेफर किया गया भरतपुर जनाना अस्पताल। और वहाँ कोई डॉक्टर मुनीत वालिया है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आप मुस्लिम हैं, आप जाके जयपुर चेकअप कराइए। उनका वहाँ डिलीवरी हो गई और उस बच्चे की मौत हो गई। इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। एक धर्मनिरपेक्ष राज है, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है इन मामलों पर। और निश्चित रूप से उस चिकित्सा मंत्री जी को अभी बात करके उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ताज्जुब की बात फिर है कि यहाँ के जो चिकित्सा राज्य मंत्री हैं वो यहाँ के MLA भी हैं भरतपुर के, उनको भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए।